वेलकम टू केएस एकेडमी। हाँ, सो इस बार जो हम बात कर रहे हैं दैट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो इस बार जो हम बात कर रहे हैं दैट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें होता क्या है, जैसे अगर मेरे को किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आर सक्सेसेस की, तो फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। इधर मैं एक दो टर्म यूज करूंगा पी क्यू एन। P मतलब सक्सेसफुल या जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, Q 1 माइनस पी ऑब्वियस ही बात है, एंड N इज नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर, नंबर ऑफ टाइम्स एनी इवेंट अकर, सो वो N होगा। ठीक है, पहला समझा गया R सक्सेस। सेकंड, अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में आगे मीन निकालने के लिए आता है, फॉर्मूला होगा N इंटू पी। ठीक है, स्टैंड वेरियंस निकालने के लिए आता है तो एन पी के साथ क्यू और मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियस ही बात है, वेरियंस का रूट होता है, सिंपल सी बात, वेरियंस का रूट जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सिंपल सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, देन कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका एक फॉर्मूला है क्यू माइनस पी रूट अंडर एन पी क्यू। ये एक फॉर्मूला याद रखना कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस का, ये चार पांच फॉर्मूले तुम याद रखना सारे काम हो जाएंगे। देन कोफिशियंट ऑफ कर्टोसिस, इसका फॉर्मूला 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू बाय एन पी क्यू। ये चार पांच फॉर्मूले याद रख लोगे, बेसिकली तुम्हें ये दो याद रखना है एंड एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो छोटे छोटे ही है ना। सो इसकी बात करते हैं, सो अब क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे तो चले क्वेश्चन, तो जब देखेंगे जब नीचे चलेगा। हाँ, सो क्वेश्चन है अ कॉइन इज, मार्कर चेंज कर ले, अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम, कॉइन कितनी बार पलटा 6 टाइम, एन की वैल्यू मिल गई। कॉइन है प्रोबेबिलिटी पी की कॉइन टॉस की, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सो 1/2। सो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, इतनी बार समझ आ गई। देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 4 or more head, तो 4 or more head आर सक्सेसेस की बात आ गई, तो पी ऑफ 4 निकालोगे तो क्या जाएगा 6n था सी 4, 1/2 इज योर पी, पी की पावर 4 एंड 1/2 की पावर 2, यही फॉर्मूला था एन सी आर 6 C 4, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 2। ठीक है, लग गया फॉर्मूला अप्लाई। ऐसी पी ऑफ 5 का निकालेंगे तो 6C 5, 1/2 की पावर 5, 1/2। पी ऑफ 6 का निकालेंगे तो 6C 6, 1/2 की पावर 6, ये हो जाएगा। एंड देन हम तीनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो वो फाइनल प्रोबेबिलिटी आ गई 0.345। इतनी बात समझ आ गई। इफ द सम ऑफ द मीन एंड वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5, फाइंड, कह रहा सम एंड वेरियंस, इसको अभी छोड़ दो, इस तरह के क्वेश्चंस को की करा दे, चलो करा देते हैं। कह रहा सम ऑफ मीन एंड वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 ट्रायल, तो 5 ट्रायल का क्या मतलब हो गया, एन की वैल्यू कितनी होगी 5, सम ऑफ मीन दैट इज एन पी प्लस एन पी क्यू, मीन एंड वेरियंस का उसने, मीन एंड वेरियंस इज 9/5 इज इक्वल टू 9/5। ठीक है, सो एन की वैल्यू पहले तो डाल लेते हैं पी प्लस पी क्यू, और कम कर दे इसको, एन पी 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू 9/5, दैट इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 5, पी 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू 9/5। ठीक है, 9/5, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे देखो किधर गया, हाँ, क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस पी लिख सकता हूँ मैं, लिख दो, सो 5 पी, तो ये 2 माइनस पी बन जाएगा इज इक्वल टू 9/5, तो ये हो गया 10 पी माइनस 5 पी स्क्वायर इक्वल टू 9/5। सो फाइनली नीचे क्या आ गया हमारे पास, 50 पी माइनस 25 पी स्क्वायर इक्वल टू 9, सो 25 पी स्क्वायर माइनस 50 पी प्लस 9 इक्वल्स टू 0,
इक्वल्स टू जीरो, ये आ गया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से पी की वैल्यू निकाल सकते हो या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से पी की वैल्यू निकाल सकते हो, एंड पी की वैल्यू जो आएगी किसी से भी निकाल लोगे, किसी से भी निकाल लो, उधर पी की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 1/5, 1/5 जो है तुम्हारी पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या कह रहा था, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का निकालना है ना, उसने बोला था एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्वेश्चन पढ़ो, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 की वैल्यू निकालनी है। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, जगह है नीचे, सो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसको हम ये कह सकते हैं 1 माइनस क्या कह सकते हैं, पी एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्यू की पावर 5, सो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/4/5 की पावर 5 लिख सकते हैं, सो इज इक्वल्स टू 0.6724, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझा कि एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं, शायद उससे और अच्छी तरह समझा दे। जैसे क्वेश्चन में बोला है किधर के मार्कर, इफ 1 out of every 10 बल्ब इज डिफेक्टिव, तो मतलब प्रोबेबिलिटी, पहले पी की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 out of every 10 बल्ब इज डिफेक्टिव, सो पी की वैल्यू क्या आ गई, 0.01, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.9। ठीक है, 500 बल्ब्स है, सो एन की वैल्यू कितनी होगी, 500। अब वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मीन निकालना है, मीन एन इंटू पी, 500 इंटू ए क्या आ गया, 50। ठीक है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर एन पी क्यू, 50 उधर से आ गया, इंटू 0.9 जो भी आएगा, फॉर्मूला सीधा अप्लाई है, ऐसे कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, एंड कटोसिस का भी बता रखा है, सीधे फॉर्मूले अप्लाई करने और कुछ नहीं करना, सीधे के सीधे फॉर्मूले ठोकते जाने। ठीक है, इतनी बात समझा गई। अब कई बार क्या होता है, हमें टेबल के फॉर्म में दे देते हैं कि एक्स एंड पी की वैल्यू निकाल ली, अब तक हम क्या कर रहे थे कि एन पी क्यू इनका यूज कर रहे थे, है ना, मीन के लिए। अब हमें डाइस रो की दे दी, इधर पी एंड क्यू ये सब की जगह हमने टेबल के थ्रू बनाने का सोचा, सो टेबल के थ्रू कैसे निकालेंगे, एक्स एंड पी है, ऑब्वियस ही बात है, पी जब अलग अलग इवेंट्स के हम पी की वैल्यूज निकालेंगे, सो उधर से हमारी ये टेबल बन के आ जाएगी। अब पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर, इस वे में हमने बड़ी बार ये टेंथ में करते रहे, समेशन पी एक्स इज योर मीन, पी इंटू एक्स करते हैं मीन आता था। ठीक है, वेरियंस कैसे आता था, वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता था, समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स का होल स्क्वायर, ये यूज करते हैं वेरियंस के लिए, फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना है, पी ए रहा एक्स ए रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करो, सिंपल सी बात, कर लोगे सारे, इसी वे में सारे क्वेश्चन होंगे, इसी वे में सारे। देखो पी एक्स वाला एक और क्वेश्चन आ गया, जो या तो पी एक्स वाला इस वे में फॉर्म में आएगा, वैसे ये बहुत कम आता है इस फॉर्म में, हो सकता है कि 20% चांस हो सकते हैं इसके आने की, लेकिन 80% चांसेस उसी के जो ऊपर मैंने कराया है। ठीक है, जो ऊपर मैंने कराया उसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। सिमिलरली एक्स एफ दे रखा है, मीन निकालने के लिए बोला होगा तो एक्स एफ निकाल दिया उसने, ऐड कर दिया, समेशन एक्स एफ क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, क्योंकि ये तो पी है ये एक्स है। ठीक है, इस वे में मीन निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझा कि, इसके बाद अब हम बात करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। बाइनोमियल में फॉर्मूला ये वाला सबसे मेन था। ठीक है, दो मिनट, बाइनोमियल में सबसे मेन फॉर्मूला क्या था, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक है, ये इसका बाइनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। ठीक है, आई होप सबके बात समझ आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।